नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जयगांव टुडे में। तो अभी हम लोग है जयगांव के भूलन टर्निंग इलाके में दोस्तों। तो यहाँ पर जेडीए के जो चेयरमैन है गंगा प्रसाद शर्मा जी, यहाँ पर हम लोग उपस्थित है। यहाँ पर अभी जो गोजमोमो के जो युवा नेता है और डुअर्स के जो कोऑर्डिनेटर है, आप देख पा रहे हैं मंतोष लामा, और यहाँ जयगांव के जो प्रगति टोल है, प्रगति टोल के जो युवा है, भाजपा के जो समर्थक है, सभी भाजपा के कार्यकर्ता है। इन सभी के द्वारा आज जो है यहाँ पर तृणमूल का दामन थामा जा रहा है दोस्तों। तो आप देख पा रहे हैं इस अवसर पे यहाँ पर गंगा प्रसाद शर्मा जी के साथ ही जयगांव दो नंबर अंचल के जो सभापति है रीना शाह, और जो चेयरमैन है फुरबा लामा जी, और जो पेमा लामा जी जो है INTTUC के जो प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट वो है वसीम जी, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इनकी उपस्थिति में ये ज्वाइनिंग कार्यक्रम हो रहा है। आइए बात करते हैं इसको लेकर के। पीएमसी पार्टी में जोइन गर्नुभयो तपाईले धेरै धेरै स्वागत र धेरै सम्मान छ। लोगों का जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया था उनका मोह भंग हो गया। भारतीय जनता पार्टी यहाँ के लोगों के लिए, केंद्र सरकार यहाँ के लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा है। एक सीधा साधारण सा उदाहरण आप लीजिए, लॉकडाउन के समय में भूटान गेट बंद था, बहुत प्रयास किया गया केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप करे, और लेकिन केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप नहीं किया, यहाँ के सांसद विधायक ने हस्तक्षेप नहीं किया, भूटान ने अपने तरह से गेट खोला। आज भी भारत भूटान को लेकर के, गेट को लेकर के बहुत सारा समस्या है। कई बार यहाँ के सांसद विधायक को कहा गया है लेकिन और उस पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है। तो यहाँ के लोग बीजेपी को क्यों समर्थन करें? इसीलिए यहाँ के लोगों को लगता है कि दीदी को समर्थन करने से, दीदी के साथ जाने से हमारे एरिया का विकास होगा, हमारे लोगों का विकास होगा, समाज का विकास होगा। इसलिए यह आपको देखने को मिला। आप देखते जाइए जयगांव 1, जयगांव 2, दलसिंहपाड़ा, आने वाले दिनों में हर जगह पूरा अलीपुरद्वार जिला में बीजेपी छोड़ करके लोग और तृणमूल कांग्रेस ज्वाइन करेंगे और कर भी रहे, जो आप लोगों को दिखाई दिया। विशेष के छ भन्दामा धेरै दिन देखि अघि मैले रिजाइन दिएर मैले सार्वजनिक गरेको थिएँ, र त्यसको बावजुद मेरो रेजिग्नेसन अहिलेसम्म एक्सेप्ट गरेको पनि छैन माथिदेखि। र मैले सोचे जुन प्रकारको स्थिति अहिले बनिएको छ त्यसलाई अगाडि बढाएर मैले तृणमूल कङ्ग्रेस गर्नै पर्छ, र हाम्रा गाउँका युवा दाजुभाइ जति पनि छन् या सम्पूर्ण यो क्षेत्रका जो पनि हाम्रा महानुभाव जो हुनुहुन्छ उहाँलाई एउटा काठमा काठ साथमा साथ दिएर चाहिँ अगाडि बढाऊ भन्ने हेतुले, साथै यहाँ अहिले नजिकै हाम्रा पञ्चायत इलेक्सन पनि आउँदैछन्, र त्यसै सन्दर्भ लिएर नै म आज यो तृणमूल कङ्ग्रेस जोइन भएको हो। विशेष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा मैले छोड्ने केही पर्सनल इस्युजहरू छ, त्यो कुनै दिन सार्वजनिक गरौँला, तर अहिले फिलहालमा चाहिँ अब जे मनमा लागेको कुरा हो त्यो चाहिँ मैले बताएको। म अहिले त पार्टीबाट रेजिग्नेसन दिए पश्चात म त्यो समयमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा युवा मोर्चा युवा मोर्चाको चिफ कोअर्डिनेटर थिए डुवर्सका, मन्तोष लामा। आफ्नो भनी हाम्रो INTTUCका प्रेसिडेन्ट पेमा लामा ज्यूलाई पनि अघि आएर दुई शब्द राखिदिनु भनी अनुरोध गर्दछु। पेमा लामा ज्यू, सबलाई नमस्कार। आजको यस ऐतिहासिक जोइनिङमा हाम्रो जेडिए चेयरमेन श्रीमान गंगा प्रसाद शर्माज्यूको नेतृत्वमा जति पनि हाम्रो GP2का दाजुभाइहरू यस परिवारमा तपाईँहरू आउन लागि आइसक्नु भएको छ, त्यसको लागि म हामी तृणमूल कङ्ग्रेस पार्टीबाट तपाईँहरूलाई मान सम्मान साथै आगामी दिनमा हामी सबै जति पनि आज जोइनिङ भएको छौँ र पुरानो जति पनि छ सबै हामी मिलेर एक परिवार एकै नासे भएर हामी जयगाउँको लागि राम्रो काम गर्नेछौँ, र जति पनि दिदीले गरेको कामहरू छ, जति पनि प्रकल्पहरू छ, यस यो प्रकल्पहरूलाई हामीले यसपालि पञ्चायत इलेक्सनमा आफ्नो बुथ बुथमा गएर यसपालि बुझाएर यसपालि पञ्चायत इलेक्सन चाहिँ हामीले राम्रो एउटा रिजल्ट ल्याउन सक्यौँ भने आगामी दिनमा हामीलाई GP1 होस्, GP2 होस्, दलसिंहपाडा जति पनि छ हाम्रो कालचिनी ब्लकदेखि लिएर अलिपुर डिस्ट्रिक्टमा नै हाम्रो आगामी दिनमा धेरै राम्रो विकासको कार्यहरू हुनेछ, र यसमा हामी दाजु गंगा प्रसाद शर्मालाई हामी धन्यवाद टक्राउन चाहन्छौँ कि आज जेडिए चेयरमेन भए पश्चात आज विभिन्न प्रकारको विकसित कामहरू भइरहेको छ, र उहाँलाई आज हामीले
सपोर्ट गरेर अझै धेरै काम गर्नुपर्ने छ त्यसमा तपाईहरुको पनि सहयोग चाहिएको छ र सबैले यस्तो कसैले पनि यस्तो नसोची दिने हामी नयाँ मान्छे हामी टीएमसी मा नयाँ हो हामीलाई अब हेला होचो गर्छ होला भनेर कहिले पनि नसोची दिनुहोस् हाम्रो अञ्चल प्रेसिडेन्ट या रीना दिदी हुनुहुन्छ अञ्चलको चेयरम्यान हाम्रो फुर्बा लामा हुनुहुन्छ सबैले तपाईहरुलाई आफ्नो परिवारको दाजुभाइ जस्तै सोचेर तपाईहरुलाई आगामी दिनमा उहाँहरुले हातमा हात मिलाएर टीएमसी पार्टी साथै ममता दिदीलाई पञ्चायत इलेक्सनमा मजबुत गर्छ भने हामी आशा राख्दै मेरो छोटो वक्तव्य म यही समाप्त गर्न चाहन्छु धन्यवाद तृणमूल कांग्रेसमा योगदान गर्नुभयो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको यहाँ दाजुभाइ साथै हाम्रो तृणमूलमा योगदान गर्नुभयो बीजेपीको धेरै मात्रामा लिडरशिप हजुरहरुलाई मेरो तरफबाट अनि हाम्रो दलको तरफबाट धेरै धेरै शुभकामना छ तपाईहरु आउँदा हाम्रो दल आउने दिनमा धेरै मजबुत हुनेछ शक्तिशाली हुनेछ र तपाईहरुको हात मजबुत हामी सबैजनाले एकता भएर आउने पञ्चायतमा सबैजना दाजुभाइ मिलेर दललाई अगाडि बढाउँ हाम्रो लिडरहरुलाई अगाडि बढाउँ ममता दिदीको हात मजबुत गरौँ यति भन्दै मेरो वक्तव्य यहाँ समाप्त गर्छु साथी भाइहरुलाई नमस्कार तपाईहरुलाई आज यो हाम्रो टीएमसी परिवारमा स्वागत छ आज हाम्रो यहाँनिर जोइनिङको कार्यक्रम हुन जाँदैछ जोइनिङको कार्यक्रम यस प्रकारले छ प्रगति टोलका कर्मट बुथ कर्मीहरु जति पनि प्रगति टोलमा बुथ कर्मीहरु खट्यो बुथ प्रेसिडेन्ट लिएर देखिनको लिएर बुथ कर्मीहरु जम्मा 23 जना आज यहाँ जोइनिङ गर्न आउँदैछ